प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा कि किस तरह से दो अंकों की संख्या की दूसरी दो अंकों की संख्या के साथ ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र के द्वारा गुणा कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से तीन अंकों की एक संख्या की दूसरी तीन अंकों की संख्या के साथ ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र के द्वारा हम गुना कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स, यानी कि टू थ्री डिजिट नंबर्स हैं जिनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं, और देखो आमतौर पे इस तरह से हम दोनों लाइन तब लगाते हैं जब हमें प्लस करना हो, लेकिन हम थ्री डिजिट नंबर की थ्री डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई एक ही लाइन में कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमारे पास स्टेप्स हैं, आपको जस्ट वो स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप वन, अब देखो आपके पास तीन अंकों की दो संख्याएं हैं, तो पहला स्टेप वही है जो हमारा 2x2 में था, इसकी इसके साथ हमें गुना करनी है। इसकी इसके साथ हम गुना कर देंगे, तो यानी कि इसकी इसके साथ गुना करेंगे तो 3 × 3 आ जाएगा हमारे पास ये। अब उसके बाद आता है हमारे पास स्टेप टू, ये भी हमारे पास उसी तरह से है जो पहले था, यहाँ पे इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, और जो बनेगा उनको दोनों को प्लस कर देना। अब आप देखेंगे इसकी इसके साथ 2 × 6 और 4 × 4, 2 × 6 4 × 4, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 की 0 और 1 हम यहाँ पे यहां से लिख देते हैं। अब जो स्टेप थर्ड है, तीसरा जो हमारे पास स्टेप है उसको आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा। तीसरा स्टेप हमारा, अब इसमें देखो सारे यूज होंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और बीच वाले की बीच वाले के साथ, यानी कि बटरफ्लाई बन जाएगी। इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और बीच की बीच वाले की बीच वाले के साथ, इसमें सारे के सारे डिजिट यूज हो जाएंगे। अब आप देखेंगे इसकी इसके साथ 9 मिलेगा, हमें लिख ले, शुरू में आप लिख ले, थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद आप माइंड में भी कर सकते हैं। इसकी इसके साथ 9 मिलेगा, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, इसकी कर दी 2 × 1 = 2, और इसकी इसकी 4 × 2 = 8, तो 9 और 2 = 11 और 8 = 19 और 1 ही हासिल था, तो 20 हो जाएंगे, तो 20 की 0 आ जाएगी हमारे पास और हासिल 2 चला जाएगा। अब देखो सारे डिजिट यूज हो गए। अब स्टेप फोर में अब आप इनको यूनिट डिजिट को छोड़ दें और ठीक उसी तरह से काम चलेगा जैसे 2x2 में चला था। अब इसको आप छोड़ दें, 2x2 की मल्टीप्लाई के लिए जैसे चला था, अब यहां से ये वाला तो हो गया काम, अब आप इसकी इसके साथ कर दें स्टेप फोर, तो यानी कि ये तो लेने नहीं हमें। अब इसकी 3 × 12 और 2 × 4, 12 और 4 = 16 हो गए, 16 और 2 = 18, 18 × 8 हासिल 1 आ जाएगा हमारे पास, ये भी हो गया। स्टेप फाइव ये हो गया। अब लास्ट स्टेप रह गया हमारे पास इसकी इसके साथ, यानी कि हमें इसकी इसके साथ करनी है। यहां पे 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, तो ये हमारे पास इसका 78003 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो एक ही लाइन में हमने थ्री डिजिट नंबर की दूसरे थ्री डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ली, यानी यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेप हैं? 5, 3x3 के स्टेप हमारे पास कितने हैं? 5 है। यहाँ पे आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है। पहले बच्चों, जैसे 2 अंकों की एक संख्या की थी और दूसरी 2 अंकों की संख्या थी, तो जब उनकी मल्टीप्लाई की थी तो उसमें स्टेप कितने थे? 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा, तो उसमें नंबर ऑफ स्टेप कितने थे? नंबर ऑफ स्टेप्स वो थे 3, और अगर हम बात करें 3 डिजिट की,
नंबर्स मल्टीप्लीकेशन शॉर्ट में लिख रहे हैं, यानी कि तीन अंकों की संख्या की तीन अंकों की संख्या के साथ गुणा कर रहे हैं, तो स्टेप्स कितने हैं? 5। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स ये है 5। अब देखो इसके लिए क्या रूल बनाते हैं, जब हम टू डिजिट की टू डिजिट के साथ कर रहे हैं तो 2 × 2 कितना मिलेगा? 4, और इसमें से एक कम कर दो, यानी कि 2 × 2 − 1, तो −1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 स्टेप बनेंगे। अब 3 × 3 के लिए देखें, तो 3 × 2 क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, अब 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने स्टेप हो जाए? 6 हो जाएंगे, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 6 − 1 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 4 डिजिट की करनी है हमें, अगर हमें 4 डिजिट मल्टीप्लीकेशन करनी है तो उसमें ऐसे से कितने स्टेप होंगे? 4 × 2 − 1 −8 − 1, यानी कि उसमें 7 स्टेप होंगे। तो यहां से हमारे पास जो स्टेप्स है उसके लिए हमने एक रूल बना लिया कि 2 × 2 के लिए 2 × 2 − 4 − 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 डिजिट के साथ करनी है तो 3 × 2 = 6 − 1 = 5 स्टेप्स होंगे। 4 डिजिट के साथ करनी है तो 4 × 2 = 8 − 1 = 7 स्टेप होंगे। 5 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 5 × 2 = 10 − 1 = 9 स्टेप होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं 3 × 3 के लिए, यानी कि तीन अंकों की संख्या की दूसरी तीन अंकों की संख्या के लिए। यहाँ पे हमने एक रूल जो कितने भी डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई है सबके लिए हमने एक रूल बना लिया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और है मेरे बच्चों, जैसे हमने इन 5 स्टेप से ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व किया है, आप के लिए ये होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन को इन स्टेप्स को यूज करके सोल्व करेंगे और फिर अपने आंसर को चेक करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से। शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी ये बहुत कम समय में आपके क्वेश्चंस सोल्व होने लग जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम 4 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, और इसके साथ कुछ और जैसे 2 डिजिट की 3 डिजिट के साथ कैसे करते हैं या 3 डिजिट की 4 डिजिट के साथ कैसे करते हैं, ये भी हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।